तो अभी हम लोग आए हैं ब्लोअर बैलेंस करने नाडी का। 200 किलोवाट की मोटर है ये देखिए, 200 किलोवाट, और हमने मशीन लगा दिया बेस लाइन की 6050। ये नाडी का ब्लोअर है, आपको दिखाता हूँ मैं, नाडी लिखा हुआ है। एक मिनट, थोड़ा बड़ा हो जाए यार, पता नहीं बड़ा हो नहीं रहा। ये नाडी लिखा हुआ है यहाँ पे, छोटा बड़ा नहीं हो रहा इसमें। पूरा देखिए ये सिस्टम लगा हुआ है, ये पंप लगा हुआ है जो कूलिंग कर रहा है। इस ब्लोअर को बैलेंस करना है, बहुत हैवी ब्लोअर है ये। अभी हमने इस पर वेट ऐड किया है 100, अभी देख लेता हूँ। पहले हमने ट्रायल वेट ऐड किया था यहाँ पे 56 ग्राम का, इसने पढ़ा नहीं है तो हमने दोबारा से वेट ऐड किया 306 ग्राम, और इसका वाइब्रेशन आ रहा है थ्री वाइब्रेशन आ रहा है। थ्री वाइब्रेशन पे हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं। अलाइनमेंट कर लिया हमने इसका, व्हील का सारी बेल्ट निकाल के इसका हमने अलाइनमेंट कर लिया। अलाइनमेंट करने के बाद थोड़ा स्लीव लूज थी, उसको खोल के हमने खुद इसको टाइट किया है। अब हम इसको बैलेंसिंग कर रहे हैं। अभी 1:30 बज रहा है, आज संडे है। ये चल गया ब्लोअर, तो अभी कर रहे हैं हम लोग यहाँ बैलेंस। बस सर ये जाएगा उसके साथ, हाँ ये पोर्ट, ये इसी को ऊपर ही लगा देगा, ऊपर पे लगता है बैस तो ऊपर लग जाएगा, छुड़ा लेंगे हम लोग, ऊपर लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी ट्रायल वेट 153 ग्राम का, इसके साथ ही जोड़ दो सर टच करके, हाँ क्योंकि इसमें अर्थिंग आ रही होगी पूरी। ऊपर ऊपर वेल्डिंग मार दो इसके, एक दो टाके मजबूत से। नहीं पीछे पीछे नहीं सर, पीछे मत मारो, अब इसी पे मार दो बस, ये रोक लेगा। ना सर इधर नहीं सर, दिक्कत हो जाएगी इधर लगाओ तो, सर निकालने में दिक्कत होगी, मत लगाओ। ठीक है, अभी टाका हो गया हमारा, मशीन को नहीं रखो बार बार, चलो क्योंकि 600 RPM को दिक्कत है नहीं, बिजली सप्लाई बंद कर देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हो गया भाई, पूरा खुल गया। तो एक मिनट को रुको, अभी हमने ये पुली का अलाइनमेंट भी कराया है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट आउट था, कम से कम 4 mm के आसपास इसको किया हमने क्लियर। यहाँ का भी पूरा मेंटेनेंस पॉइंट ही है, चढ़े क्या देखो एक बार यहाँ पे, वेट किधर लगाएंगे, वेट इधर लगाएंगे इधर लगाएंगे। ये एलिमिनेटर भी, अभी हम लोग हाँ कराइए और सप्लाई ऑन कर दी वेल्डिंग सेट की, वेल्डिंग सेट की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग कितने ग्राम का वेट लगा रहे हैं, 88 ग्राम का वेट लगा रहे हैं। बहुत हैवी इंपायलर है नाडी का, 88 ग्राम का वेट लगा दिया है, 12 ब्लेड है टोटल। हाँ वो चेक कर लो उधर इंपायलर के ऊपर ना, आता नहीं है वो, हो गया अर्थिंग चेक कर लो। ये देखिए कितना हैवी ब्लोअर है, VFD पे चल रहा है ये।
हमने अभी 88 ग्राम का ट्रायल वेट लगा रहे हैं, 88 ग्राम उसको पकड़ के वेल्डिंग करें, नीचे गिर ना जाए ना। एक 88 ग्राम का, जैसा कि आप देख रहे हो कि वेल्डिंग करने में दिक्कत आ रही है, इसका रीज़न ये है कि जो इंपायलर के ऊपर बहुत ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है, और जो हमारे साथ वेल्डर आए हुए हैं, वेल्डर हमारे फरीदाबाद के हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है वेल्डिंग करने में। अब अर्थिंग वगैरह मजबूत कर रहे हैं, अब करंट की सेटिंग कर रहे हैं ताकि वेल्डिंग हो जाए प्रॉपर, क्योंकि ट्रायल वेट के लिए जो हमने वेट लिया 88 ग्राम का, उसको हम लोग वेल्डिंग से ही होल्ड कर पाएंगे। अगर ये होल्ड नहीं होगा वहाँ पर तो हमारा बैलेंसिंग प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा, तो उसको कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये देखिए अभी हमारी वायर भी छोटी पड़ गई है, तो इसलिए अब हम वायर को अरेंज करेंगे या फिर वेल्डिंग सेट को उठा लिया भाई, वेल्डिंग सेट को उठा के उसके आसपास ले जाएंगे। पोर्टेबल वेल्डिंग सेट है, ये देखिए अभी वायर को हाथ में ले लिया, वेल्डिंग सेट को उठा लिया यही है, और ये हमारा वेट लगा रहे हम लोग, थोड़ा कम वेट है अभी, ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 150 ग्राम का वेट काम करेगा इसमें। हैवी इंपायलर है ना, अर्थिंग वेट से ही प्लेट को दबा दो, नहीं तो प्लेट गिर जाएगी। सर आप कह दे रहे अकेले बैलेंस हो जाएगा, ये अकेले और बैलेंस वाली बात नहीं है, सर कितना तो सर क्यों मार दिया, इसको छोड़ाएं कैसे? चलिए एक वैसे एक तरफ मारते ना, तो हटाओ निकालो इसको, अर्थी निकालो, छोड़ दो मशीन को, यही कैसे? नहीं नहीं सर ये नीचे रखें, हाँ मशीन तो यहीं रखें। तो जैसा कि देख रहे हो आप, हम लोगों ने ट्रायल वेट लगाया भाई, वो इतने बड़े इंपायलर पे सही नहीं है, वो हमारा ट्रायल वेट कहाँ गया? 10 नंबर पे ना, अभी किस नंबर पे? 5, 8, 9, 10 ये रहा। तो ये जो हम ये जो ट्रायल वेट लगाया इसको पढ़ नहीं पा रहा है ये, तो अभी इसको निकाल रहे हैं, बस निकालूं मैं उस साइड लगाओ, चेंज जिस साइड पेडलिंग नहीं पड़ी साइड, हाँ रुक के एक बार में एक चोट मारो, एक बार में एक चोट मारो, फिर रुको फिर मारो, ठीक है? हाँ नहीं जैसे चैनी गिर रही, यहाँ से दिखाई देगी, यहाँ से इस साइड से दिख रही है चैनी गिर के नीचे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर सर जुगाड़, छैनी निकालने का जुगाड़ आगे से ना एक मैग्नेट भी रखना पड़ेगा भाई बैग में अपने, है सर निकाल निकाल चले हेलो
टाइम लगा बता। मोबाइल मत गिरा देना। पता रुक तो जा, पर यहाँ से तो काम खत्म करता हूँ। निकल गया, बहुत सही है भाई, सही है। वेट वेट, निकल गया। नहीं निकला, कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राई करूँ क्या मैं? क्यों, सेट करो। अभी पहले जगह पोजीशन सही बनाओ, और एक बार में एक चोट मारना, ठीक है? मैं इंपैलर पकड़ रहा हूँ, कई चोट नहीं मारनी है, एक बार में एक चोट मारो। हाँ, थोड़ा इस कॉर्नर में फंसाओ, इसके बीच में आधा उधर आधा, एक बार में एक चोट मारो खींच के। सर एक दो चार थोड़ी मारी, ट्राई कर लूँ क्या? देखो, तो हमारा वो वेट निकल चुका है, हम लोग एक नया ट्रायल वेट लगा रहे हैं जो कि है 306 ग्राम का, क्योंकि 88 ग्राम का वेट कर नहीं पाया, तो हम लोग यहाँ पे एक नया ट्रायल वेट की सेटिंग कर रहे हैं और उसको लगाएंगे यहाँ पे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हमने वेट ले लिया है, पहला हमारा 153 ग्राम का, फिर दूसरा भी 153 ग्राम का, एक अलग से टुकड़ा ले रहे हैं, इसको वेल्ड कर रहे हैं। अगर किसी को ऑन साइड बैलेंसिंग करानी हो तो हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है इस पे। बस सर ये जाएगा उसके साथ, हाँ ये फोर, या इसी को ऊपर ही लगा देगा, ऊपर पे लगता है बैस तो ऊपर लग जाएगा, छुड़ा लेंगे हम, ऊपर लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी ट्रायल वेट लगे 153 ग्राम का, इसके साथ ही जोड़ दो सर टच करके, हाँ, क्योंकि इसमें अर्थिंग आ रही होगी पूरी, ऊपर ऊपर वेल्डिंग मार दो इसके एक दो टाके मजबूत से। नहीं पीछे पीछे नहीं सर, पीछे मत मारो, अब इसी पर मार दो बस, ये रोक लेगा। ना सर इधर नहीं सर, दिक्कत हो जाएगी, इधर लगाओ तो सर निकालने में दिक्कत होगी, मत लगाओ, ठीक है। अभी टाका हो गया हमारा, मशीन को नहीं रखते बार बार, चलो क्योंकि 600 आरपीएम को दिक्कत है नहीं, बिजली सप्लाई बंद कर देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब हो गया भाई। अभी हमारा चल रहा है ऐसे ही, हाँ ऐसे ही ना, हाँ तो ये हो गया जीरो, हाँ जी एक जीरो एक, किधर एक मिनट सर, अभी ब्लोअर हम चला रहे हैं ऐसे ना, ऐसे चल रहा है ना ब्लोअर, ऐसे चल रहा है हमारा, हम राउंड ऐसे लगाएंगे, वो अपोजिट में लगेगा, हाँ तो एक, हाँ दो, हाँ तीन, तीन। लेकिन वो दिखा रहा था, कितना दिखा रहा था, 2.8 ना, हाँ 2.8 दिखा रहा, हमारे पास ऑप्शन है 2.8 का, यहाँ लगा देंगे, नहीं तो यहाँ पर लगा देंगे, वही लगा देंगे फिर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोर्ड ले आओ बोर्ड को, और ये टाका लग गया, अब देखते हैं कितना वाइब्रेशन।